जैसे कि बिल्डर को अपनी जमीन खरीदेगी और फ्लैट्स में समझो 100 फ्लैट्स हैं बनेंगे, तो लोग 50 फ्लैट्स पहले ही बेच देते हैं जी, तो वो एज ए बिल्डर के पार्ट से, और जैसे कि जो खरीद रहा है इन्वेस्टर के पार्ट से, तो लोग खरीद रहे ये सोच के कि हाँ बिल्डर उनको दिया है सस्ते में, फिर बाद में वो उसको अप्रिशिएट करके बेच देंगे, तो उसे बिल्डिंग करने को नियर अबाउट 3 साल लगेगा, तो लोग 1.5 साल में बेच देंगे, कुछ भी जो अप्रिशिएशन मिलेगा, वो दोनों सूरत। भाई का सवाल, ये इन्होंने बहुत अहम सवाल पूछा, और ये सवाल पूछने से मुझे ये समझ में आया कि ये बहुत सोच रहे थे कहाँ ये रूल अप्लाई होता है, और उन्हें ये बात क्लिक हुई कि बिल्डिंग के अंदर जो फ्लैट्स बुक होते हैं, अब किसी इन्वेस्टर ने फ्लैट बुक किया और फ्लैट बुक करने में उसने पार्ट पेमेंट किया, पोजेशन नहीं मिला है, बिल्डर पोजेशन देगा, बिल्डर पोजेशन देगा, और जब पोजेशन देगा 3 साल बाद देगा, दरमियान में वैल्यू अप्रिशिएट हो चुकी थी, जितने में बुकिंग किया उससे ज़्यादा उसे वैल्यू मिल रही है, क्या वो आप पोजेशन लिए बगैर भी बेच सकता है या नहीं बेच सकता है, ये सवाल है। तो यहाँ पर बिल्डिंग का पोजेशन जो होता है, फ्लैट का पोजेशन अगर वो ले ले, पोजेशन लेने के बाद बेचना, तो इसमें शक ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि दरमियान इन बिटवीन प्रोसेस है कि जब बिल्डिंग बनी नहीं है, दरमियान का मामला है, और तभी पोजेशन उसे मिला नहीं है, तो तब वो कैसे बेच सकता है, ये सवाल है। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं, एक पॉसिबिलिटी उसकी ये होती है कि वो बिल्डिंग के अंदर बिल्डर के साथ उतना पार्टनरशिप वो हो जाए उसकी, मिसाल के तौर पे बिल्डर के पास 10,000 square feet है, वो अपना इन्वेस्टमेंट जो दे रहा है वो कह रहा है मैं 1,000 square feet का पार्टनर हूं, मैं 500 square feet का पार्टनर हूं, तुम्हारे पास टोटल सेलेबल 10,000 square feet होंगे, मैं उसमें से 500 square feet का पार्टनर हूं, यानी मेरा 5% है शेयर, तुम्हारा जो भी बनने वाला है उसमें 5% शेयर है या 10% शेयर है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट वो 10% शेयर का है। तो हम देखते हैं कि अगर उसने पार्टनरशिप की, तो मुशारका के रूल के तहत पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर होता है वो अपना शेयर बेच के निकल सकता है, क्योंकि बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लंबे होते हैं, कभी कभार अनसर्टन भी हो जाता है, टाइम भी उसका लंबा हो जाता है, और उसके अंदर वो प्रोडक्ट सेल का जो रूल अगर अप्लाई होता है तो वो चीज़ के तहत वो बंधा हुआ रहे, तो उसके अंदर यहाँ पर एक गुंजाइश उसके पास ये होती है कि वो प्रोजेक्ट में स्क्वायर फीट से पार्टनरशिप ले रहा है और वो पार्टनरशिप का अपना शेयर बेच रहा है। तो हम ये देखते हैं कि ये एक बात है, जैसे मिसाल के तौर पे पूरा काम करने के बाद बिल्डर के पास जो बनेगा, मिसाल के तौर पे 10,000 square feet बनेंगे, तो बिल्डर ने 5,000 square feet इन्वेस्टर्स में बांट दिए, 5,000 square feet वो खुद बेचेगा, तो यहाँ क्या है कि जो इन्वेस्टर्स है उनको 5,000 square feet दिया इन रिटर्न ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, बांट दिया सब में, और 5,000 square feet वो खुद बेचने वाला है। तो यहाँ ये देखते हैं कि ये पार्टनरशिप वाला एक इशू है जिसके तहत कुछ उलमा ने इजाजत दी है, जो हम कल मुशारका जब डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप का इशू, तो हम इंशाल्लाह तभी इसकी और डिटेल्स देखेंगे इंशाल्लाह। एज ए एजेंट क्या वो एडवांस ले सकता है, ये बात अंडरस्टैंडिंग की बात है, उसमें एडवांस ले सकता है क्योंकि वो उसके बिहाफ पे ही काम कर रहा है। मिसाल के तौर पे एक एम्प्लॉई होता है ना जो दुकान में काम करता है, अपने बॉस के लिए ही होता है, अब बॉस कहीं कहीं से फिक्स सैलरी देते हैं, कहीं कहीं कमीशन भी देते हैं, तो उसकी टर्म्स जो अग्रीड है वही टर्म्स होती है, उसी तरह ये शख्स अभी उसी की तरफ से है, अल वकील फी हुक्मिल मुवक्किल, जो वकील है जो एजेंट है वो जिसकी तरफ से काम कर रहा है उसी के हुक्म में, इट्स एज इफ वो सेम आदमी है, तो वो एडवांस हो उसके हाथ में या ना हो, वो जो भी टर्म्स अग्रीड है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन वो कमीशन उसका एक फिक्स कमीशन होगा और उसमें क्लैरिटी होगी ताकि कल टर्म्स में प्रॉब्लम ना हो और कल जाके झगड़े अराइज ना हो, मतलब क्लैरिटी रहे कि उसने लिया तो कितना परसेंटेज लिया, क्योंकि अगर वो शख्स कह रहा है कि मैं कुछ तो रखूंगा, तो क्लैरिटी अगर ना होगी, तो क्लैरिटी ना होने की वजह से झगड़े होते हैं, और यही चीज़ हम अभी छठे कायदे के तहत देखने वाले हैं।